तंवर। मंगतूराम तंवर जी, आपको ये जिम्मेदारी मिली है। हाँ जी सर। और इस जिम्मेदारी को आप निभाओगे या मतलब कैसे? बिल्कुल निभाऊंगा जी, अब तक निभाता भी आ रहा था और अब आगे और ज्यादा निभाऊंगा। क्या निभा रहे थे अब तक ऐसे, क्योंकि मैं SMC में जो है मेंबर भी हूँ, मैं SC ST की वजह से स्कूल में, और मैं अपने दायरे में जितने भी अपने SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनको स्कूलों में एडमिशन दिलाना। की बात आती है तो जितने भी SMC के जो मेंबर हैं उन जो एडमिशन कराने के लिए आते हैं आप उन्हें टरकाने का काम करते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि अब तो सरकार ने वैसे 3 किलोमीटर दायरा दे दिया है और हमारे 3 किलोमीटर के दायरे में बच्चे का या माँ बाप का जो आधार कार्ड है उसके बेस पे हम और उसको वो दिला रहे हूँ जिम में एडमिशन। लेकिन वो प्रिंसिपल कहती है मेरे पास जगह नहीं है, टरकाने के लिए जगह नहीं है। लेकिन आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन नहीं उठा सकते। सर ऐसा होएगा नहीं, कोई भी प्रिंसिपल है कोई टीचर इस बात को अब कहेगा ही नहीं, क्योंकि अब SMC वाले ने जो पूरा उसको देख लिया है और सरकार ने 3 किलोमीटर का दायरा कर दिया। अगर 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल में अगर बच्चा पढ़ाना है, बच्चे का अगर आधार कार्ड है, तो हम उसको नर्सरी से लेके 12th क्लास तक जब मर्जी एडमिशन दिला सकते हैं। तंवर जी, अगर इसके बाद बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो उसका क्या प्रावधान है? सर उसका अगर वो नहीं है प्रावधान, अगर उसे छठी का वो है तो हम उसको एफिडेविट बना देते हैं और एफिडेविट के आधार पर उसको जो है 6ठी क्लास में या 5वीं क्लास में उसको एडमिशन दिला देते हैं, और जब वह बच्चा अपना आधार कार्ड बना लेता है उसको हम फिर लिंक करा देते हैं। धन्यवाद सर।